स्वागत बंधन बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी की क्लास में आज हिंदी की पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ्य पुस्तक को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, मैंने आपको इसके पहले पतंग जो पाठ काव्यखंड है उसको पढ़ाया समझाया, आज उसी के जो प्रश्नोत्तर हैं हम उनको पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों आपकी जो पुस्तक है उसमें दिए हुए हैं ये प्रश्न, तो चलिए आइए इनको पढ़ते हैं और समझते हैं कविता के साथ। जैसे प्रश्न है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें, यानी क्या उसमें प्रकृति का जो वर्णन उसमें दिया प्रकृति में परिवर्तन कवि ने दिखाया अपने शब्दों में। जैसे सबसे तेज बौछारे गई भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया वह निम्नलिखित है। जैसे कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होने लगा, जब सूर्य उदय होता है जब थोड़ा थोड़ा सा आप देखिए लालिमा लिए होता है तो कैसा दिया है, खरगोश की आंखों जैसा। पुलों को पार करता हुआ शरद ऋतु आ गया, पुलों को पार करता हुआ क्या आ गया, शरद ऋतु। अपनी नई चमकने वाली साइकिलों के तेज चलाते हुए जोर जोर से घंटी बजाते हुए और चमकीले इशारों से एक दूसरे को बुलाकर पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह के निकलने का मौसम आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। कवि ने ऐसे विशेषणों का प्रयोग निम्नलिखित कारणों को दृष्टिगत करते हुए लिखा, अग्रलिखित जो कारण है वह निम्नलिखित है। जैसे इसका वैज्ञानिक कारण भी है कि कोई भी हल्का पदार्थ ही ऊंचाई की ओर जा सकता है, प्रत्येक भारी वस्तु पृथ्वी की ओर ही आके गिरती है। यदि कोई चीज बहुत भारी है तो वो आकाश में नहीं उड़ सकती, लेकिन यदि कोई चीज हल्की है तो वो क्या हो जाती है, आकाश में उड़ जाती है। पतंग बिना किसी के स्वतः ही बहुत ऊंचाई तक चली जाती है, पतंग के लिए हमको कोई बहुत बड़ा ऐसा लगाना नहीं पड़ता कि उसको हम ऊंचाई तक पहुंचा दें, वो एक हल्के बहुत धागे से, बहुत हल्के धागे से, है ना, पतंग जो बहुत पतला कागज होता है वो केवल अपने बल से ऊंची उड़ जाती है। तो जो केवल पतंग उड़ाने वाले से एक धागे के माध्यम से, वो जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक धागे के माध्यम से ही बहुत ऊंचाई तक उड़ जाती है। क्या उड़ जाती है, यहाँ पर जो पतंग है वो बहुत ऊंचाई तक एक धागे के सहारे ही उड़ जाती है। इस प्रकार कवि ने विशेषण जैसे इनका प्रयोग किया है। चलिए आगे। पतंग को सुंदरतम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग भी किया जाता है। देखिए पतंग जो होती है वो एक कलर की, रंग बिरंगे कलर की होती है, आधा कागज किसी कलर का आधा किसी कलर का, है ना, बड़ी सुंदर दिखाई देती है। तो पतंग को सुंदर बनाने के लिए अलग अलग कलर का भी प्रयोग होता है। पतंग में लगने वाला बांस पतली कमानी के रूप में प्रयुक्त होता है। यदि भारी बांस का प्रयोग पतंग के साथ किया तो पतंग, अब जैसे मान लीजिए उसकी जो कमानी होती है बिल्कुल पतली होती है ना, पतंग में जो लगती है, जो बच्चे पतंग उड़ाते होंगे और जो अपने समूह में और अपने जो मतलब जो दोस्त हैं उनके साथ जब पतंग उड़ाते हैं अपने साथियों के साथ, तो आप देखते होंगे ना सब मिलकर के बनाते हैं, तो एक पतली बांस की कमानी लगी होती है, रंग बिरंगा उसमें जो कागज इस्तेमाल किया जाता है और उसको बहुत सुंदर सजाते हैं। तो ये बच्चों को मालूम होगा क्योंकि बहुत से बच्चे पतंग उड़ाने में उनमें बहुत अच्छी उनकी कला भी हो सकती है और उड़ाते भी होंगे तो उनको अच्छा लगता है। तो पतंग में लगने वाला मांस कैसा होता है, जो जिसको हम क्या कहते हैं बच्चे, कमानी कहते हैं ना, तो बहुत पतली कमानी के प्रयुक्त होता है। यदि मान लो उसकी जगह पतली की जगह यदि हम मोटा कुछ ऐसी लकड़ी लगा दें तो वो क्या होगा, एक तो कागज उसका पूरा फट जाएगा और जो बांस के भारी प्रयोग से वो पतंग नहीं उड़ सकती। तो इस प्रकार भारी बांस का प्रयोग पतंग के साथ यदि किया जाए तो जो पतंग है उसको उड़ाना क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है, पतंग को उड़ा ही नहीं सकते हैं। इस प्रकार बच्चों ये विशेषण जो शब्द हैं कवि ने इसके लिए यहाँ पर
इस प्रकार से चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर हमने विशेषण प्रयोग जो कवि ने किए उसको पढ़ा, आगे पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न है, बिंब स्पष्ट करें। जैसे कि यहाँ पर कविता इसमें दी हुई है, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग क्या हो सके, ऊपर उठ सके। तो ये जो काव्यांश है, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने सावन मास के बाद गर्मी का प्रभाव कम होने पर बच्चों के खेलने का सहज और सुंदर चित्रण किया है। प्रस्तुत जो काव्यांश है कवि ने सावन मास के बाद गर्मी का प्रभाव जब कम होने लगता है तो बच्चों को खेलने, मतलब जब बच्चे खेलते हैं, उसका बहुत ही सहज और सुंदर चित्रण इन कविता के माध्यम से किया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इस समय आसमान साफ और स्वच्छ रहता है। इस समय आसमान कैसा रहता है? साफ और स्वच्छ रहता है। खरगोश की आंखों की भांति आसमान भी नीला दिखाई देता है। खरगोश की आंखों की भांति आसमान नीला दिखाई देता है। उसकी आंखों की लाल पुतलियों के समान आसमान में प्रातः काल लालिमा लिए सूर्य दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सूर्य। उसकी आंखों की लाल पुतलियों के समान आसमान में प्रातः काल लालिमा लिए क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। इसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। इसके बाद कौन सी ऋतु का आगमन होता है? शरद ऋतु का आगमन होता है। कवि ने उसके आगमन को भी पुलों को पार करते हुए के समान बताया। शरद ऋतु के आगमन को क्या बताया है? पुलों को पार करते हुए के समान बताया है। इसका आगमन सहज और स्वाभाविक ढंग से होता है। कैसे ढंग से होता है? इसका आगमन सहज और स्वाभाविक ढंग से होता है, अर्थात ऋतु परिवर्तन के बारे में लोगों को धीरे धीरे ही आभास होता है। आपने देखा होगा जब मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं, है ना, ठंड की ऋतु जाती है, फिर इसके बाद गर्मी आती जाती है तो बरसात ऋतु आती है। मतलब ये जो ऋतुओं में परिवर्तन होता ना, ठंड गर्मी बरसात, तो इस प्रकार से तीनों चारों ऋतुएं जब बदलती हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि अब ये शरद ऋतु का मौसम है, अब ये बसंत ऋतु का मौसम है, अब ये ठंड ऋतु का मौसम है ना, अब ये ग्रीष्म ऋतु का मौसम है, अब ये मतलब ये अलग अलग, तो जो ऋतुएं होती हैं तो ये हमें आभास करा देती हैं कि कब कौन सी ऋतु गई और कब कौन सी ऋतु आई। इस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन सहज होता रहता है, मतलब जो प्रकृति का नियम है उसके अनुस्वाभाविक ढंग से होता है, और इसका जो आभास है वो हमको धीरे धीरे होने लगता है कि अब कौन सी ऋतु आई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिर दिया है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचिए कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। देखिए कपास, कपास का अर्थ होता है रुई, है ना। अब इस कविता में क्या दिया है कि क्या संबंध हो सकता है बच्चों से, तो कविता के आधार पर बच्चों से कविता के आधार पर कपास से बच्चों का संबंध निम्न प्रकार बन सकता है। कैसे बन सकता है? कपास यानी रुई नरम, बहुत ज्यादा मुलायम, जिस प्रकार कपास रंगहीन और गंधहीन होती है। कपास कैसी होती है? रंगहीन होती है और गंध, उसमें उसकी कोई सुगंध नहीं रहती कपास की, और ना ही उसका कोई कलर रहता है ना, केवल सफेद कलर की जो रुई होती है वो मुलायम होती है। उसी प्रकार जो बालमन है वह भी निष्कपट होता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनके मन में
कि मैं आपको समझा रही हूँ कि जो कपास होता है कैसा होता है, रंगीन और गंधहीन। उसी प्रकार बाल मन यानी जो बच्चे होते हैं उनका जो मन होता है वह भी क्या होता है, निष्कपट होता है। दूसरा, जिस प्रकार कपास किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाता वह सर्वप्रिय होता है, इसी प्रकार ही बाल मन भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, बच्चे भी सभी को अच्छे लगते हैं। आपने देखा होंगे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं, वो किसी के पास भी चले आते हैं, उनको नहीं मालूम उनको कौन अच्छा है कौन बुरा है कौन कैसा, नहीं, वो जो प्यार से उनको बुलाते हैं उनके पास चले जाते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ नहीं रहता। दूसरा, जैसे कपास रुई को हम कितना भी बड़ा उसकी बॉल बना लें या कुछ भी कर लें तो रुई से किसी को चोट नहीं लग सकती, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कपास की जो रुई की तुलना है वह किससे की गई है, बच्चे, बच्चों के मन से, छोटे बच्चे। तो इसी प्रकार बाल मन भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, बच्चे भी सभी को अच्छे लगते। तीसरा, जिस प्रकार कपास कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया नरम होती है मुलायम होती है, बच्चे भी जन्म से सुकुमार होते। बहुत छोटे बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही ज्यादा नरम मुलायम कोमल सुकुमार, है ना, ऐसे ही कपास के जैसे होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। फिर है, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, कवि ने बच्चों के लिए ऐसा क्यों कहा है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, मतलब जितनी ऊंची पतंग बच्चे भी उड़ रहे हैं, ऐसा क्यों कहा। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। जिस प्रकार ऊपर उड़ते समय पतंग को किसी प्रकार की बाधाओं का एहसास नहीं होता, देखिए जब पतंग ऊंची उड़ान भरती है ऊंचे आकाश में उड़ती है तो उसको नहीं समझ में आता ना किसी प्रकार की यहाँ झाड़ पेड़ क्या कोई बिल्डिंग कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो अपनी उड़ती है। उसी प्रकार बच्चों को खेलते रहने, अपने लक्ष्य पर लगे रहने और आगे बढ़ने का जो एहसास है वह उनको नहीं होता। इस प्रकार से जिस प्रकार जैसे मैंने आपको समझाया कि ऊपर उड़ते समय पतंग को किसी प्रकार की बाधाओं का एहसास नहीं होता, उसी प्रकार बच्चों को खेलते रहने, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ने और उन्नति करते समय किसी प्रकार के कष्टों एवं संकटों का अनुभव नहीं होता, उनके समक्ष आने वाली प्रत्येक मुसीबतें स्वतः ही दूर हो जाती हैं, वे उन्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं पाते, इसलिए कवि ने बच्चों के लिए ऐसा कहा। देखिए बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, खेलते रहना और अपने लक्ष्य पर बढ़ते रहना और उन्नति करते समय किसी प्रकार के कष्टों या उनका अनुभव संकटों का अनुभव नहीं होता बच्चों को, उनके सामने जो मुसीबत आती है वो स्वतः ही अपने आप दूर हो जाती है और वह उन्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। इसलिए कवि ने पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं ऐसा बच्चों के लिए कवि ने यहाँ पर कहा। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर दी, छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। फिर है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। छतों को भी नरम बनाते हुए दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसके उत्तर को। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का तात्पर्य क्या, बजाने का क्या तात्पर्य, उत्तर समझिए। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से तात्पर्य बच्चों का भाग दौड़ शोर मचाने से। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो वे चिंता रहित होकर छतों पर भी दौड़ दौड़ कर क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। फिर है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है, नहीं। जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए में छत की कठोरता का आभास भी नहीं होता, बच्चों को मालूम ही नहीं चलता। उस समय यदि हमें किसी प्रकार का कष्ट होए होता भी है तो बच्चे क्या होते हैं, उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो अपनी पतंग में लगे रहते हैं। फिर है, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा
कैसा महसूस करते हैं? इसका उत्तर समझते हैं, परिस्थितियां मनुष्य को निपुण बनाती हैं। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं वे सभी खतरनाक परिस्थितियों से होकर गुजरे हुए होते हैं। ऐसी परिस्थितियों के बाद उनके मन का भय निकल जाता है और जीवन में आने वाली छोटी छोटी चुनौतियों को सहज ही महसूस करते हैं। इस प्रकार चुनौतियों के सामने, दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं, यहाँ कभी यह समझाना चाहता था। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको जो पतंग काव्यखंड पढ़ाया उसके मैंने आपको प्रश्न उत्तर समझाए। अब मैंने जो भी काव्यखंडों में आपको पढ़ाया, जैसे कि मैंने आत्म परिचय पढ़ाया था, एक गीत हरिवंश राय बच्चन जी का पढ़ाया था, आज मैंने आलोक धनवा जी का पतंग ये काव्यखंड पढ़ाया, इसके प्रश्न उत्तर पढ़ाए। अब मैं आपको कुछ इन जो भी मैं आपको काव्यखंड में कविताएं पढ़ा चुकी हूँ उनके कुछ प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनको पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। लेकिन बच्चों आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग ने जो कॉपियाँ बना ली हैं या जिन बच्चों ने नहीं बनाई हैं वो बना लीजिए। जो भी रजिस्टर कॉपियाँ हैं यदि आपको नई नहीं उपलब्ध हो पा रही तो आपके पास जो भी रजिस्टर पुराने रजिस्टर हों आप उनमें भी इनको लिख, लेकिन बेटा आपको लिखना पड़ेगा और इन प्रश्न उत्तरों को आप लिखते भी जाइए, पढ़ते भी जाइए और याद भी करते जाइए। धन्यवाद बेटा।